गांव दिल से मोदी फिर से का संकल्प लेकर तमिलनाडु से पूरे देश में यात्रा पर निकली राजलक्ष्मी आज बैतूल पहुंची, जहां उनका स्वागत विधायक हेमंत खंडेलवाल और सांसद ज्योति दुर्वे ने किया। राजलक्ष्मी मांडा युवा महिला शक्ति से जुड़ी हुई हैं और ये देश के समस्त जिलों में भ्रमण कर रही हैं। वहीं अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भारी भरकम ट्रक को अपने दांतों से खींचती हैं। बैतूल में भी आज राजलक्ष्मी ने भाजपा कार्यालय के सामने दांतों से ट्रक को खींचकर दौड़ लगाई। राजलक्ष्मी ने संकल्प लिया है कि देश में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनाना है। आपको बता दें कि ये महिला जो अपने दांतों से ट्रक को खींच रही है, जिसका नाम राजलक्ष्मी मांडा है, ये तमिलनाडु की रहने वाली है, जिन्होंने अपने दांतों से भारी भरकम ट्रक खींचने का रिकॉर्ड भी बनाया है। राजलक्ष्मी तमिलनाडु से निकली है। उनका यह संकल्प है कि कहो दिल से मोदी फिर से की यात्रा पर हैं। राजलक्ष्मी पिछले 10 सालों से कॉलेजों में युवा महिला शक्ति को मार्शल आर्ट सिखा रही हैं और दांतों से ट्रक खींचने की प्रैक्टिस भी करती हैं। महिला शक्ति कुछ भी कर सकती है, यह भी संदेश दे रही हैं। वे अपनी मर्जी से ये कार्य करती हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई हैं। उनका मानना है कि देश के विकास से ही घर का विकास होगा। नरेंद्र मोदी देशहित में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, साथ ही मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनाना है। राजलक्ष्मी ने ट्रक को अपने दांतों से खींचा, युवा वर्ग महिलाओं को मोटिवेट भी किया। उनका संकल्प है देश को आगे ले जाना है और प्रदेश को आगे ले जाना है। मोदी और शिवराज नेतृत्व जरूरी है, इसलिए हर जिले में जाकर ये काम करती हैं। एक महिला इतने बुलंद इरादों के साथ भाजपा की सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, इसी बात से पता चलता है कि भाजपा के प्रति लोगों में कितना उत्साह है। बताएं मैडम, कैसे कर पाते हैं आप और क्या संकल्प लेकर शुरुआत की थी आप? मैं राजलक्ष्मी हूँ, तमिलनाडु से आई हूँ, बुलेट पर यात्रा कर रही हूँ। पूरा मध्य प्रदेश 32 डिस्ट्रिक्ट 3200 किलोमीटर का यात्रा कर रही हूँ। मैं कहो दिल से मोदी फिर से नारा लेके यात्रा कर रही हूँ। सो मेरा आशा और देशवासियों का आशा है कि मोदी जी फिर से प्रधानी बनना है, इसलिए मैं यात्रा कर रही हूँ। ये कैसे कर पाते हैं आप, कैसे खींचते हैं? ये तो प्रैक्टिस से होती है। जो 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कॉलेजेस में विमेंस को मार्शल आर्ट सिखाती हूँ, तो उसी ट्रेनिंग में जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना शुरू किया, तो जो महिला में सब कुछ शक्ति होती है, महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये संदेश मैं प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को दिलाना चाहती हूँ। तब से मैं 10 साल से इसको प्रैक्टिस करके अभी 3-4 साल से मैं एक इंच आप अपनी स्वेच्छा से कर रही है या आपको पार्टी ने हायर किया है? नहीं, मैं मेरा स्वेच्छा से कर रही हूँ। मैं खुद से पार्टी से कोई पेमेंट भी लेंगे आप? नहीं, मैं पार्टी से जुड़ी हूँ नहीं है, मैं पार्टी में मेंबर भी नहीं हूँ बीजेपी में। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे घर का विकास से देश का विकास नहीं होगी, देश का विकास से ही हमारे घर का विकास होगी। मोदी ही क्यों? मोदी ही क्यों नहीं, मोदी जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी जी के लिए। प्रोग्राम का कितना वो करती हैं आप? नहीं नहीं, मैं कॉलेजेस में भी फ्री से डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ और अभी भी मैं फ्री कैसे कर रही हूँ। पेमेंट मैं कभी भी नहीं लिया, कभी भी नहीं लूँगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। 2019 में क्या उम्मीदें हैं मोदी? मुझे मेरे उम्मीद है, मैं सारा मध्य प्रदेश से गुजर के आ रही हूँ, पक्का बीजेपी सरकार बनेंगे फिर मोदी जी। विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद है आप? मुझे लग रहा है कि बीजेपी आए हैं। आप ये स्टंट करके क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं जी? आप ये जो स्टंट कर रहे हैं, इससे जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं, मेरा रैली का जो मतलब है कहो दिल से मोदी फिर से, तो इसमें मैं ये कर रही हूँ कि जो युवा और महिला के लिए सशक्तिकरण के लिए मैं एक कार लॉरी पुलिंग कर रही हूँ।